अन्ना जानवर की समस्या का पूरा बुलंदखंड इस तरह जूझ रहा है कि यहाँ के किसान बर्बाद तबाह होते चले जा रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 10 जनवरी तक सभी जिलाधिकारी फरमान जारी की थी कि अन्ना जानवर के गौशाला पहुँचाया जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन आपको बताते चले कि अभी तक जिलाधिकारी मास्क को पलीता देखते हुए नजर आ रहे हैं। जो वीडियो आपके सामने दिखाई जा रही है वह शहर के जुड़े हुए एक इलाके के है जहाँ पर अन्ना जस से तस घूम रहे हैं। कोई भी ना तो इनको पकड़ने के लिए आए, ना ही एक गौशाला में भेजा गया। देखते चले अब जिस तरह अन्ना हजारे खुलते हुए जानवर नजर खेतों में टहल कर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, सड़क पर अपना कब्जा जमाए बैठे हुए किसान, तब बहुत ही नुकसान हो रहा है किसानों का। किसानों से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि यहाँ तो कोई भी अधिकारी नहीं आया है। आप देख सकते हैं हमारे सामने जुड़े हुए हैं कुछ कर्मचारी। और प्राइम बेकिंग न्यूज चैनल के लिए बांदा से आया जाम की खास रिपोर्ट। सर, अन्ना जानवरों से बहुत ज्यादा परेशान है और अभी तक जितने दिन भी मतलब ये जानवरों को कंट्रोल किया गया है, गांव वालों की जितना बस में था उतना किया है, मतलब आपसी चंदे से इकट्ठा करके गांव की जो भी पब्लिक थी एक दूसरे का सहयोग करके चारा ये पैरा वैरा ढोकर इकट्ठा किया। 4-6 दिन पहले पैरा हुआ समाप्त, इसके बाद अब वो गायें मर रही थी तो उन्हें ढील दिया गया फिर से। अच्छा, अधिकारी क्या मदद कर रहे हैं? अधिकारी कुछ मदद करते हैं? अधिकारियों से तो एक रुपए की मदद नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। सरकार कह रही है करोड़ों रुपए अन्ना जानवरों से मुक्ति दिलाने के लिए। सरकार अपना काम कर रही है लेकिन जो यहाँ नीचे लोग लगे वो नहीं करते। जैसे की 1,10,000 रुपए निकाल लिया गया पशु वाला का, बना कहीं नहीं बना, कहीं नहीं बना, जाके जाँच करिए आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जनपद में अन्ना की समस्या को लेकर के काफ़ी मंथन हुआ और इस पर कई तरफा कार्य हो रहा है। शासन द्वारा जो निर्देशित है कि गौशालाएँ बनाए जानी चाहिए और साथ ही ग्रामीणों के सहयोग लिए, एक स्तर पर तो ये है कि जो भी शासन की तरफ से धनराशि प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत नगर पंचायतों में 3-4 राजकीय गौशालाएँ बनाई गई हैं और भी गौशालाओं पर काम चल रहा है और काफ़ी क्षेत्रों में उन जो अन्ना पशु हैं उनको उन गौशालाओं में भी लाया गया है। दूसरा ये है कि हम लोग ऐसे लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपनी गायों को बांध लें, साथ में जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनको 107-16 या 151 में अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है लेकिन ये पाबंदी की कार्रवाई भी की गई है और उनको नोटिस भी दिया गया है।